डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो, खैर से होंगे। जैसे आपको पता है कि अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीसी का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है, बता दिया है कि जो सीसी 2021 का एग्ज़ाम है वो 13 मार्च पर उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। तो उससे पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट है तो उसके तैयारी के लिए, प्रपरेशन के लिए मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और आप देखे भी होंगे कुछ वीडियोज़ पहले भी अपलोड हुए हैं। लेकिन ये हमारा जो है सेकंड लेक्चर है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के हवाले से, सिलेबस को एलाबोरेट करूंगा कि सिलेबस तो वैसे स्टूडेंट को पता होता है कि इंग्लिश, जनरल साइंस, करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल एबिलिटी आएगी, ये मोस्टली स्टूडेंट को पता होता है। लेकिन इसको फर्दर में एलाबोरेट किया है, फर्दर में एक्सप्लेन किया है कि इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश तो आएगी, ये सबको पता है, लेकिन इंग्लिश में आएगा क्या, कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो हम कवर करें, तो उसके हवाले से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि उसमें आपकी रहनमाई हो जाए। तो सबसे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले तो मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की तरफ आएंगे तो उसमें 5 मेजर पोर्शंस रखे गए हैं, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर से, पाक अफेयर से, जनरल एबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, इंग्लिश की टोटल 20 MCQs आते हैं। ये मैंने सिर्फ 2020 के स्क्रीनिंग को नहीं देख कर सिलेबस बनाया है, लेकिन मैंने 2020 को, 2019 को, 2018 को और 2013 को, 2008 को, ये सारी स्क्रीनिंग्स देख कर फिर ये सिलेबस बनाया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ये सारे दोस्तों को ये लिंक शेयर कर देना, और आप भी इसको लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें, आपकी अगर कमेंट आएगी तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में 20 MCQs हैं, ये फर्स्टली मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं कि 20 MCQs में क्या क्या आएगा। तो उसमें 4 जो हैं आपके MCQs सुनाने में क्या आएंगे, ये तो मेजर पोर्शन है इंग्लिश का, और दूसरा है एंटोनिम, ये भी मेजर पोर्शन है, इसके भी 4 MCQs आएंगे। उसके बाद है कंप्लीशन, ठीक है। दूसरा ये जो क्वेश्चन है वो है आपका कंप्लीशन का, तो कंप्लीशन में सेंटेंस ये मेजर नहीं है, ठीक है। ये 3 to 4 MCQs आते हैं लेकिन ये मेजर नहीं है, ये किसी बार आता है, किसी बार कैसे क्वेश्चन आता है, तो ये इतना अहम नहीं है, ठीक है। यूजेज आता है एज का, देन का, वेन का, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोनाउन का, लेकिन ये भी मेजर पोर्शन नहीं है, आता है लेकिन मेजर नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो एनालॉजीज का होते हैं, उसके भी 4 MCQs आते हैं, ये बहुत अहम जो है आपका MCQs का पोर्शन है, ठीक है। इंग्लिश पोर्शन में, इंग्लिश में जो आप में तकरीबन 2018-20 जो सारी स्क्रीनिंग हुई है मैंने देखी है, सारी को मैं एनालिसिस किया है, एनालिसिस के बाद ही मैंने ये सिलेबस निकाला है, और बहुत आपके लिए मैं टाइम वेस्ट किया है ताकि आपका फ़ायदा हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप किसी और का भला करेंगे तो अल्लाह ताला आपका भला करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ही मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ताकि आपका अच्छा हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में मैं आपको बता दिया कि ये सिनोनिम, एंटोनिम और एनालॉजीज़ हैं, ये 2020 में भी आए हैं इससे क्वेश्चन, 2019 में भी आए हैं, 2018 के स्क्रीनिंग में भी आए हैं, 2013 में भी आए हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का कि ये अहम है, ये लाजमन आएंगे ही आएंगे 2021 में, एनालॉजी भी लाजमी आएगी, सिनोनिम भी लाजमी आएंगे, एंटोनिम भी लाजमी आएंगे। जब पेपर आएगा आप खुद देखेंगे कि सर आपकी बात सही थी और आपने सही एनालिसिस किया था, ये बिल्कुल 3 ऐसे पोर्शन हैं, इससे तो क्वेश्चन मिस ही नहीं होंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आते हैं कंप्लीशन पे, ये लाजमी नहीं है, इससे आए भी ना भी आए कन्फर्म नहीं है, यूजेज का भी कन्फर्म नहीं है, स्पेलिंग भी कभी कभी आते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं है कि आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। मतलब ऐसे पोर्शन हैं ये कंप्लीशन, यूजेज या स्पेलिंग का, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, पंचुएशन, प्रेपोजिशन, इडियम्स, इसके 50-50 चांसेस हैं कि कौन से टॉपिक्स आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर इससे भी, लेकिन इसकी 50 चांसेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि पंचुएशन लाजमी आएगी, ये किसी बार आती है तो किसी बार नहीं आती है, इडियम्स भी ऐसे हैं, किसी बार आते हैं तो किसी बार नहीं आते हैं, प्रेपोजिशन भी ऐसी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी ऐसे हैं, स्पेलिंग्स भी ऐसी हैं। बाकी जो ये 3 पोर्शन हैं सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजी, ये तो आपके पक्के हैं, ठीक है। बाकी दूसरे का पता नहीं है कौन से आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो फिर यही टॉपिक्स आएंगे, इस टॉपिक से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रेपोजिशन, पंचुएशन, इडियम, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एनालॉजी, यूजेज, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम, यही टॉपिक्स हैं, इसके ज्यादा कोई और टॉपिक नहीं है इंग्लिश में जो आए। आप अगर ये टॉपिक्स अच्छे कर लेते हैं तो मतलब ऐसे समझे कि 20 MCQs से आपके 18 MCQs तो आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ये कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए मैं और वीडियोज़ बनाऊंगा जिसमें मैं रेफर करूंगा कि आपको सिनोनिम कहाँ से पढ़ने हैं, एंटोनिम कहाँ से पढ़ने हैं, मैं उसके लिए और वीडियो बनाऊंगा या इसके पार्ट्स बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। लेकिन लेक्चर नंबर 2 है हमारा, फर्स्ट लेक्चर में तो हमने कुछ और
डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड जो पोर्शन होता है वो आपका होता है जनरल एबिलिटी का। तो जनरल एबिलिटी के 10 एमसीक्यूज आते हैं, ये भी मेजर पोर्शन होता है। इसमें स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो मार्क खा जाते हैं, और उसको जो नुकसान होता है इस पोर्शन में उसको हार्म मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है जनरल एबिलिटी में, आपकी सिक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डी कोडिंग के आते हैं, एनोलॉजी के आते हैं, एंगल्स के आते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, 90 एंगल को क्या कहते हैं, 180 को क्या कहते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, एज प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी के 10 एमसीक्यूज होते हैं, और ये भी इतने आसान भी नहीं होते, इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आते हैं जनरल साइंस एबिलिटी। तो इसमें बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो फिजियोलॉजी है, ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आते हैं। बेसिक केमिस्ट्री में सिंबल्स आपकी हो गई, एलिमेंट्स की फार्मूला हो गया, जनरल नॉलेज हो गई, डिस्कवरीज हो गई, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स में भी ऐसे यूनिट्स, जीके, डिस्कवरी, ETC, डेफिनेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आएंगे करंट अफेयर्स पे, तो करंट अफेयर्स में क्या आता है, बुक्स के जो ऑथर्स हैं, ये तो फेवराइट जो है ना एंगल है, करंट अफेयर्स की जो फेवराइट एंगल है या जो फेवराइट मतलब अब इसका टॉपिक है करंट अफेयर में जो आता है हर बार CC में, वो बुक्स के ऑथर्स हैं। ये आप देखिए कोई भी टेस्ट है जो सिंपल सर्च कमीशन ने लिए, तो उसमें ये फेवराइट एरिया होती है बुक्स के ऑथर्स। ये तो आप समझिए रट्टा लगा के इसको याद कर लें, जो भी बुक्स के ऑथर्स हैं। 2018 में मुझे याद है मैं CC दी थी, तो 4 क्वेश्चन जो हैं बुक्स के ऑथर्स के आए थे, टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसमें 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के मतलब थे, तो वो 4 ही क्वेश्चन इसके थे बुक्स के रिलेटेड थे। ठीक है, बुक्स के ऑथर्स से रिलेटेड थे, उसमें कोई करंट अफेयर न्यू नहीं आया था, सिर्फ ये आए थे बुक्स के ऑथर आए थे, एब्रिगेशन आए थे, लीडर्स के कोई करंट आ सकता है, वर्ल्ड जी की आ सकती है जिसमें आपकी ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डेटा और स्टेटिक्स, मतलब करंट अफेयर में ये जो है ना मेजर एरियाज हैं। ठीक है, स्टूडेंट सिर्फ ये क्या करते हैं कि जनवरी 2021 के करंट अफेयर पढ़ेंगे, जनवरी फरवरी 2021 की करंट अफेयर, लेकिन वो नहीं आएगी। इसमें बुक्स के ऑथर्स आएंगे, इसमें आपके एब्रिगेशन आएंगे, डेटा स्टेटिक्स आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, लीडर्स आएंगे, वर्ल्ड जी के आएंगे। अगर आपको टाइम है तो फिर आप और भी एरियाज को देख लें। ठीक है, लाजमी नहीं है कि यही आए, पर लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यही चीज़ें आएंगी, और इंशाल्लाह यही आप होप रखेंगे, इंशाल्लाह यही आएंगी, और आप इसको ज़्यादा फोकस दें और अच्छी तरह से पढ़ लें। फिफ्थ जो हमारा पोर्शन है वो लास्ट पोर्शन है, वो आपका पाक अफेयर का है, तो उसमें डेट्स ऑफ हिस्ट्री, कोई भी इवेंट है उसकी डेट आप याद कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, लेकिन इसकी डेट क्या है। पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता है कि 1905 में हुई थी, लेकिन इसकी डेट क्या है। तो ये डेट्स आप याद कर लें, ये इसमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं CC में। ठीक है, डिफ़िकल्ट देते हैं डेट्स। उसके बाद बेसिक कामन जो GK होती है, जैसे फर्स्ट इन पाकिस्तान, नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान, माउंटेंस ऑफ पाकिस्तान, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन देते हैं, और ये आसान क्वेश्चन देते हैं जो आप हर किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारा वीडियो आपको पसंद लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आया है तो काइंडली मुझे कमेंट भी करें, लाइक भी करें वीडियो को, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपकी कमेंट आएगी तो मैं और भी इतने अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। ये आपको फ्री ऑफ कोर्स इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऐसी किसी सेंटर पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सारे ग्रुप्स में जो भी आपके पास व्हाट्सएप के, फेसबुक के, सारे में ये शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से बुक्स लेने हैं, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।